वाटर ब्रेक के बाद फिर से मैच प्रारंभ। सादे रंग के पोशाक में जेएफसी यूटी की टीम, और वहीं काले और लाल रंग के पोशाक में आदिवासी रीति गुंडाई फुटबॉल क्लब। मैच 18 मिनट का मैच बीत चुका है, लेकिन दोनों ही टीम अभी गोल रहित बराबर पर है। कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी है। ये डिवीजन का मैच चलते हुए काफ़ी शानदार मैच। और एक मौका, बॉल अभी भी आदिवासी रीति गुंडाई क्लब के पास। काफी करीबी हो सकते थे। एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन डिफेंडिंग काफी चौकन्ना। फिर से बॉल आदिवासी रीति क्लब के पास, फिर से बॉल जेएफसी यूथ के पास। सुबह 8:30 से मैच प्रारंभ हुई थी। और आउट, एल्विस बार्ला टीम के कैप्टन जेएफसी यूथ के 45 नंबर के जर्सी। लियोन पोजीशन, लंबी दूर से शूटिंग सीधे गोलकीपर के हाथों, काफी शानदार प्रयास 30 यार्ड दूरी से। और निश्चित ही फॉर क्विक स्टार्ट, अच्छा काउंटर में अटैक में हो सकता है मौका साथी को ढूंढते हुए, लेकिन गलत पास दे सके, काफ़ी हड़बड़ा रहे हैं। अगर थोड़े से धैर्य बना के खेलेंगे तो टीम काफ़ी अच्छा गोल कर सकती है। आदिवासी रीति प्लान में थोड़ी कमी है। फर्स्ट टच काफ़ी अच्छा नहीं है, फर्स्ट टच बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप फुटबॉल खेलते हो तो आपको फर्स्ट टच को अपना सुधारना ही होगा। जिस भी प्लेयर का फर्स्ट टच अगर अच्छा हो गया तो समझे काफ़ी बेहतरीन प्लेयर बन सकते हैं। अपने दम का प्रयोग करते हुए मौका हो सकता है, और ये गोल। मैच के 25 मिनट में पहला गोल। दम का प्रयोग करते हुए इनसाइड क्रॉसिंग, डिफेंडर उतने ही चौकन्ना। अच्छी वन ड्रिब्लिंग, लंबी पास, ये मौका हो सकता है। अभी बॉल, लेकिन टकराते हुए बॉल सीधे गोलकीपर के हाथ में। और ये फॉल समझाते हुए रेफरी। और ये दूसरा गोल हो सकता है, मौका अभी भी। बॉल 1v1 के लिए अच्छी टैकल, बॉल फिर से जेएफसी टीम के पास, जिसे मामा कहते हैं। बॉल थ्रू पास, और निश्चित एक कॉर्नर।
और कॉर्नर प्राप्त करते हैं। काफी करीबी मामला हो सकता था और ये आउट। मौसम भी काफी सुहाना, वन बस अच्छी डिफेंडिंग बॉल, अभी भी मौका, देखते हैं क्या कर पाते हैं, मौका गवा बैठे नहीं तो अभी दो गोलों के लीड ले सकती थी जीएफसी टीम। अच्छी ड्रिबलिंग वन बी वन, लेकिन आप ड्रिबलिंग नहीं कर सकते वन बी वन। और ये कार्ड प्राप्त करते आदिवासी ऋतु हुंडई क्लब के प्लेयर, कॉर्नर की जो गवाह बैठे, कोई वेरिएशन कुछ नया या प्लानिंग किए होंगे, वही करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं सके। चमका हो सकता है, फिर से बॉल, और ये फॉल, थ्रू बॉल, लेकिन और ये ऑफ साइड, निश्चिंत ही ऑफ साइड से। और मध्यांतर, मध्यांतर तक जेएफसी की टीम गोलों की लीड लेते हैं, देखते हैं मध्यांतर बाद कैसा प्रदर्शन रहेगा। और ये जेएफसी के तरफ से तीसरा गोल, एक के मुकाबले तीन गोलों से बढ़त लेते हैं जेएफसी यूटी की टीम। और फॉल, निश्चित ही फॉल और निश्चित ही कार्ड भी मिलने की संभावना, बहस कर रहे हैं रेफरी से। निश्चित ही कार्ड था, टफ। ये हेडर, लेकिन फॉल कर बैठे। दोनों की टीम के तरफ से दो दो परिवर्तन, विंगर को बॉल खिलाते हुए अपने साइड, फिर से बॉल इनसाइड और ये कॉर्नर किक। ओ, अच्छा मौका हो सकता है,
टैकल के चलते बॉल दिया गया और येलो कार्ड, काफी हार्ड टैकल था। सीधे गोलकीपर के हाथ में, गोलकीपर प्रैक्टिस। और ये काफी करीबी मामला है, लेकिन उसे गोल में परिवर्तन नहीं कर सके। स्कोर अभी 2-3 रहता। काफी शानदार मौका, काफी करीब गोल लाइन से, मात्र 3 यार्ड की दूरी में। काफी किस्मत खराब आदिवासी रुतई गुंडाई अच्छी का, कनेक्ट नहीं कर सके सही। फिर से काउंटर अटैक, देखते हैं बॉल इनसाइड ला सकते हैं या नहीं। और ये बॉल सही कंट्रोल और फॉल कर बैठे। अपने दर्शकों को बता दूं, एक हेडर से गोल किया गया कुंडाई आदिवासी कुंडाई एफसी की तरफ से, और दूसरा वहीं फ्री किक के द्वारा, शानदार फ्री किक था डी बॉक्स के बाहर से जीएफसी के द्वारा। और ये निश्चित ही फॉल। और ये फॉल हाथ से पुश कर रहे थे मामा, 81 नंबर के प्लेयर। अच्छा मौका हो सकता है, अभी बॉल ये आरजी टीम के पास, निश्चित है फॉल। और लास्ट पोजीशन में फाइटिंग की पोजीशन आ रही है मैच में। येलो कार्ड 81 नंबर प्लेयर मामा को। येलो कार्ड ठीक डी बॉक्स के बाहर है। इसी प्रकार से मैच समाप्त, 1-3 से विजय रही जीएफसी की टीम। Yeah,